आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची को जारी कर दिया है और इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की दिमनी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय को उनके बेटे की जगह टिकट दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और अब की बार भी 39 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और आपको बताएं कि 39 जो ये सीटें हैं उनमें 36 सीटों पर पिछली बार बीजेपी सफल नहीं हुई थी, तो ये चैलेंज बीजेपी की ओर से लिया जा रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री सांसद नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को जगह दी गई है। और जो लिस्ट जारी की गई है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, बहुत कम समय रह गया है, ऐसे में दूसरी सूची जारी कर दी गई है, यानी कि पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में अब भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय को उनके बेटे की जगह टिकट दिया गया है और इंदौर 1 से उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। बीजेपी इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है और अब की बार बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर दोनों ही सूचियां जब हम देखते हैं तो ये दिखाई देती है कि जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी या फिर सफल नहीं हुई थी, उन सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारे गए हैं और कमर बीजेपी की ओर से कसी जा चुकी है। फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर और साथ साथ प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हें जगह दी गई है। और इसके अलावा बीजेपी की ओर से मैदान में 7 सांसदों को भी उतारा गया है, जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि बीजेपी इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि एमपी को देखिए हमेशा से ही एक शोध की जगह माना जाता है, राजनीतिक शोध की जगह माना जाता रहा है और ये मौका बीजेपी अपने आप में पीछे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कर्नाटक की बात अलग थी लेकिन और एमपी ये जो किला है वो जीतना बेहद अहम है। और ये जो सूची जारी की गई है इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। आज 51,000 नियुक्ति पत्र पूरे देश में ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा वितरित की जा रही है। हमारी नौजवान पीढ़ी में जो क्षमता है, हमारे नौजवान पीढ़ी में जो ऊर्जा है, हमारे नौजवान पीढ़ी में जो जज्बा है कुछ करके दिखाने का, आज उसका एक उदाहरण आपने यहाँ दोनों एक साथ तो चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अब देखिए किस तरीके से आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि ये उदाहरण हम दिखा रहे हैं तमाम उन राजनीतिक दिग्गजों को कि किस तरीके से पार्टी में सबको साथ में लेकर चला जाता है। और यही वजह है कि हम इस जो आपको लिस्ट दिखा रहे हैं बार बार, इसमें आप देख रहे होंगे कि तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटे हैं, नए उम्मीदवारों को जगह दी गई है। और अगर इस आप लिस्ट को ध्यान से देखें तो बार बार हम ये आपको बता रहे हैं कि 39 में से 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी जोर दे रही है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार इन सीटों पर सफल नहीं हो पाई थी और इसी वजह से अब की बार की रणनीति ये कहती है बीजेपी की कि अब की बार उन सीटों पर ध्यान दिया जाए जहां वो किसी भी वजह से सफल नहीं हो पाए थे, उन पर पहले जोर दिया जाए। और इसीलिए मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अब की बार 150 के पार, यानी कि ये बड़ी जीत की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी एक झलक आप इस सूची में देखिए, उन तमाम बड़े चेहरों को भी यहां पर टिकट दिया गया है जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल है, 7 सांसद शामिल है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी, हालांकि बाद में मार्ग खुल गए थे, लेकिन अब उसकी भरपाई भी यहां पर करनी है। पिछली बार 109 सीटों पर मध्य प्रदेश में सिमट कर रह गई थी, अब उस सीटों का आंकड़ा भी बढ़ाना है और जहां पर कमजोर स्थिति में पिछली बार रही वहां पर भी एक बार फिर से अपने प्रत्याशी को उतारने के बाद जीत दर्ज करने की उम्मीद यहां पर है। इसीलिए अब बड़े चेहरों को भी यहां से मौका दिया गया है। बीजेपी की जो लिस्ट है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए बड़े चेहरों को हमने मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी डरी सहमी है, अब विधानसभा चुनाव केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाने का मतलब ये है कि बीजेपी समझ चुकी है, उसकी जमीन खिसक गई है और इसीलिए ये कार्रवाई, ये लिस्ट दिखाई जा रही है। अच्छा, इसी लिस्ट के ऊपर ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। लगातार आप शिवराज जी को और महाराज दोनों को घेर रहे थे, ऐसे में 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम पद के चेहरे माने जा सकते हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप लगातार शिवराज और महाराज को घेर रहे हैं। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है।
मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जंगला का लोहा है, जहां भी सरकार उनकी रहती है वहां मिटा देती है। ये नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के कभी ऐसे वचन आपने सुने हैं क्या? इस प्रकार के भाषण कभी सुने हैं क्या? ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं ये। तो मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में रण में अभी जो कुछ चल रहा है वो आपको हम फिलहाल इस वक्त दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश अकेली वो जगह है जहां गुजरात के बाद अगर मुख्यमंत्री फिर से बीजेपी का आता है तो ये रिकॉर्ड बना लेगी बीजेपी, और इसीलिए वो ये नहीं चाहती है कि किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश उसके हाथ से निकले। साम दाम दंड भेद सबकी शुरुआत ये जो दूसरी लिस्ट आई है बीजेपी उम्मीदवारों की उसी के साथ दिखाई दे जाता है, और इसी के ऊपर कैलाश विजयवर्गीय का जो वक्तव्य है वो भी अब आप सुनिए। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को बड़े बड़े नाम बता रहे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए तो दो तिहाई बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। तो दो तिहाई बहुमत का दावा कैलाश विजय वर्गीय की ओर से किया जा रहा है, हालांकि उनके बेटे का टिकट काटकर इंदौर एक से उन्हें जगह दी गई है। लेकिन बीजेपी का दिग्गजों पर ये दांव क्यों है? दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री जो है उनकी अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता है, वहीं प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री है। एमपी में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, एमपी में आदिवासी वर्ग के बड़े नेता है। और देखिए हर वर्ग को साधने की कोशिश भी यहाँ से हर बार भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है, और ऐसा ही सूची में भी दिखाई दे रहा है। अगर इनमें कैलाश विजयवर्गीय की भी बात की जाए तो बीजेपी महासचिव एमपी में मालवा अंचल के वो बड़े नेता के तौर पर हमेशा से जाने जाते रहे हैं, वहां पर उनकी लोकप्रियता भी है, इसीलिए वहां से उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी गई है। और इसके अलावा राकेश सिंह पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में महाकौशल अंचल के बड़े नेता है और बार बार जीतकर वो वापस आते रहे हैं। तो ये 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है, इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से एक और लिस्ट जारी की गई थी, तब भी 39 उम्मीदवार ही उन्हें टिकट दिए गए थे। और इसी लिस्ट को लेकर आखिर इसके मायने क्या है, क्योंकि हर कोई इसे अपने ढंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा मेरे साथ जुड़े हैं। अमिताभ जी, लिस्ट को कैसे देखा जाए? देखिए, इस लिस्ट ने तो हलचल तो मचा दिया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें 7 सांसद जो मौजूदा सांसद है, जो ये कैलाश विजयवर्गीय का आप नाम देखे, इंदौर के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं पार्टी के, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय उस इलाके के विधायक थे, उनके बेटे को इस बार टिकट नहीं मिलना था, तो एक परिवार से एक ही को टिकट मिलेगा ये साफ हो गया। क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल जो सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, उनके भाई विधायक थे जिस सीट से, उससे उनको लड़ना है। तो एक तो पहला कि एक परिवार से एक आदमी लड़ेगा, दूसरा इतने बड़े बड़े नाम जो 7 नाम हैं, अगर नरेंद्र सिंह तोमर को देखें, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पार्टी के संगठनकर्ता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो चंबल इलाके में जहां बीजेपी कमजोर मानी जाती थी, उस इलाके से अगर एक बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है तो संदेश कार्यकर्ताओं में अच्छा जाता है। चंबल में जानती बीजेपी को मालूम है कि अभी थोड़ी स्थिति, अभी नेक टू नेक लड़ाई चल रही है, कांटे की टक्कर है, तो ऐसे में चंबल से एक नेता का लड़ना ये बड़ा संदेश जाएगा बाकी कार्यकर्ताओं में भी और बाकी वोटरों में भी कि हमारे यहाँ से भी एक सीएम पद का दावेदार हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर 7 नेता लड़ रहे हैं 7 इलाकों से, तो ये उस संशय को दूर करता है कि अभी नेतृत्व हमारे इलाके से भी सीएम बन सकता है। हाँ। तो एक नेतृत्व को लेकर एक जो है कोई ओपन विकल्प खुले रहेंगे तो पार्टी बहुत के। बड़ी बात आपने कहती, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लोग भी ये तो नहीं सोच सकते कि शिवराज सिंह की जगह भी कोई और होगा। देखिए, शिवराज की जगह कोई और होगा ये कहना नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर पार्टी की बात करें तो काफ़ी 20 साल हो गए सत्ता में, बीच में अगर 1.5-2 साल अगर कांग्रेस के कमलनाथ के राज के छोड़ दें। हाँ। तो ऐसे में उस 1.5 साल को छोड़ दें तो लगभग 20 साल बीजेपी पूरे कर रही है। हाँ। इन 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी बहुत 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 कष्टकारी होती है, बहुत कष्टकारी। ऐसे में फैटिक भी होता है नेताओं के खिलाफ। ऐसे में अगर ये मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। लेकिन सर, कांग्रेस लगातार तंज कस रही है इस पूरे टिकट को लेकर। सर, इधर लेफ्ट में सर, कांग्रेस तंज कस रही है, ट्वीट कर रही है कि केंद्रीय नेताओं को उतार दिया है। नरेंद्र सिंह तो
तोमर का बयान आपने सुन लिया, कैलाश विजयवर्गीय की बात आपने सुन ली और अमिताभ जी, फिर ये दोनों नेता तो यही कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता था हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बस जब लिस्ट आई है तभी हमें भी पता लगा है। क्या वाकई ऐसे आश्चर्यजनक रहा होगा? देखिए, कार्डर बेस्ड पार्टी है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इतने बड़े बड़े नेताओं को ऐसे ही टिप ऑफ करके आप एकाएक नाम निकाल सकते हैं। उन्हें बताया गया होगा जरूर, मुझे लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इन नेताओं का चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी होना। अगर आप राकेश सिंह 2004 से लगातार सांसद हैं, अगर नरेंद्र सिंह तोमर का देखा जाए तो उनका जो लेजिस्लेटिव जो चुनावी राजनीति है उनकी, वो भी 3-4 दशकों की हो रही है। तो प्रहलाद सिंह पटेल वाजपेयी सरकारों में मंत्री थे, मोदी सरकारों में मंत्री हैं। रिद्धि पाठक 2 बार सांसद रह चुकी हैं। जितने नेता यहाँ साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं सब अलग, फगन सिंह कुलस्ते अभी भी मंत्री हैं, वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे, लगातार सांसद रहे हैं, ट्राइबल नेता हैं, 47 ट्राइबल सीटें हैं मध्य प्रदेश में। तो कुल मिला के हर तबके को ये संदेश जा रहा है कि उसके इलाके का आदमी एक बड़ी पद के रेस में है। तो मुझे लगता है बीजेपी ने सारे विकल्प यहाँ पर खुले रखे हैं और एक ऑप्शन रखा है कि बीजेपी ने विकल्प खुले रखे हैं, कांग्रेस के विकल्प इसी के साथ बंद तो नहीं हो गए? कांग्रेस ये कह जरूर रही है, मैं आगे इसके ऊपर अमिताभ जी आपसे चर्चा करूंगी, कांग्रेस ये कह जरूर रही है, ने ये लिस्ट जारी की है। लेकिन इसी लिस्ट पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, हम ये लिस्ट देख रहे हैं जो दूसरी लिस्ट आई है, इस लिस्ट में 3 मंत्री 7 सांसद को मैदान में उतारा गया है और 39 में से 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी पिछली बार असफल रही थी। पहले बीजेपी का इन सीटों पर फोकस जहां वो कमजोर रही है। देखिए, बिल्कुल यही बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि जो 36 सीटें हैं उसमें बीजेपी है ही नहीं। तो बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला, 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को टिकट दिया और ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कब्जा नहीं रहा है, बीजेपी के खाते में वो सीटें नहीं रही हैं। तो ऐसे में उन सीटों के साथ साथ आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी बीजेपी का प्रभाव पड़े, जो कि है नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी तो एक नई चाल, नई रणनीति के तहत बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, अगर आप 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो चीजें काफी हद तक समझ में आ जाएंगी कि बीजेपी किस दिशा में, किस रणनीति पर काम कर रही है। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो बीजेपी का संगठन भी कमजोर था और जो कह सकते हैं उसके आने की जो उम्मीद थी वो ना के बराबर थी। हालांकि 2014 में इससे पहले लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो चुकी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी। मतलब ये जो रणनीति है इसे डीकोड करना अभी बाकी है और उसी कोशिश में न्यूज 18 इंडिया भी है। देखिए, माना यह जा रहा है कि इस रणनीति के तहत 2017 का जो यूपी मॉडल था उसी को इसमें भी अपनाया गया है, क्योंकि इसी की तर्ज पर, ठीक इसी तर्ज पर, बिना किसी चेहरे के 2017 का चुनाव बीजेपी लड़ी थी। कई नेता अपने अपने क्षेत्र में खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताकर जनता के सामने मैदान में खड़े थे और इसी के चलते एक बहुत बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली थी। और चलिए, अमिताभ जी तो लगातार बने ही हुए हैं, अमिताभ जी डिकोड करने की हम वही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी डाक, कांग्रेस अलग बता रही है, बीजेपी अलग बता रही है। ये जो 2017 वाली रणनीति की अभी हमने चर्चा की, उत्तर प्रदेश में सफलता, क्या उसी रणनीति पर मध्य प्रदेश में भी मिल सकती है? उत्तर प्रदेश का एक फॉर्मूला, दोनों जगह पूरा गुजरात फॉर्मूला ही देख लो ना, गुजरात फॉर्मूला, सारे के सारे मंत्रियों का इस्तीफा, सारे के सारे टिकट कट गए, सारे नए चेहरे। अब ऐसे में गुजरात में जीत तो बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को था। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इसमें थोड़ा, मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप राकेश सिंह को देखें, जबलपुर की जिस सीट से उनको लड़ना है वो सीट पिछले 2 बार से बीजेपी हार रही है, वो हार रही है बीजेपी, और वहां पे कांग्रेस के मजबूत नेता हैं। इंदौर में कैलाश जी को भी लड़ना है, वो भी मजबूत नेता है। एक मिनट आपको हम रोकेंगे, क्योंकि कमलनाथ ने क्या कहा है, ये जो अभी पूरा सिनेरियो है उसके ऊपर ट्वीट करके जो बताया है उन्होंने, वो भी जरा दर्शकों को हम दिखा दें। ये कमलनाथ का ट्वीट है, वो कह रहे हैं दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े दर्शन छोटे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि भाजपा ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है ना 2024 के लोकसभा चुनाव में, दोनों में ही नहीं जीत रही है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर ही दाम लगा दिया जाए। ये जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट है उसे अपने हिसाब से व्याख्यान करते हुए कमलनाथ जी इस ट्वीट में दिखाई दिए हैं। और अमिताभ जी, यही तो हम चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस तो ये कह रही है कि डरी सहमी बीजेपी, उसे पता है चुनाव हम जीतेंगे नहीं, तो चलो बड़े चेहरों को उतार दें। अरे डरते सहमते भी अगर मैराथन में अगर रेस जीत जाते हैं, थके मांदे लगते हुए भी, तो जीतना जीतना ही होता है। लेकिन बीजेपी ने इसके पीछे दो, मैंने पहले ही बोला, एक तो विकल्पों की बात है,
दूसरा अपने अपने इलाकों के ये बड़े बड़े नेता हैं, और तीसरा ये कि जो सीटें लड़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी सीटें हारी हुई सीटें हैं बीजेपी, बीजेपी की कमजोर सीटें मानी जाती हैं ये विधानसभा की सीटें। अगर इन पर ये लड़कर जीतते हैं तो सिर्फ उस सीट पर असर नहीं होगा। अगर नरेंद्र सिंह तोमर चंबल से लड़ रहे हैं, ग्वालियर से लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पर का असर कम से कम चंबल की 2 दर्जन सीटों पर होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जोश आता है इससे कि उनका उनका रिप्रेजेंटेटिव भोपाल में बैठेगा, हो सकता है ये सीएम बन जाए, तो एक उम्मीद कार्यकर्ताओं को। जैसे हमने प्रधानमंत्री मोदी ने जब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ा तो पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश पर उसका प्रभाव देखा, वैसा पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा पूर्वांचल ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उस पर असर हुआ था। अगर उस समय की भीड़ भाड़ को देखें